हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि YouTube के अंदर एक बहुत ही बड़ा बग प्रॉब्लम आ चुका है। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले तो अपना जो YouTube है उसको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ से जो नेट है इसको यहाँ से ऑन कर लिया। तो सिंपल से मैं अपने होम पेज पर जाता हूँ और यहाँ से ऊपर से जो मेरा चैनल है इस पर यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ से मेरा जो भी जितने सारे मेरे चैनल है इसके अंदर देख सकते हो एन एडेड कॉन्टेंट, इस प्रकार से मेरा जो भी चैनल है इसके ना तो शो कर रहा है ना इसके अंदर लॉग इन हो रहा था। दोस्तों आपके इसके अंदर भी जो आप अपने जो YT स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर भी जाकर भी आप इसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सिर्फ एक ही है, ऐसे दो चैनल इसके अंदर दिख रहे हैं, लेकिन मेरा तो इसके अंदर पांच चैनल मैं चलाता हूँ, तो यहाँ से मेरे दो ही चैनल दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या था, दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल से आपको क्या करना है, इसका जो अपना जो यूट्यूब है इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से ऐप इनपोर पर क्लिक कर लेना। अगर आपके पास ऐप इनपोर का ऑप्शन नहीं आता तो आप सेटिंग में जाकर मैनेज ऐप का अंदर जाकर आपको यूट्यूब को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्लियर ऑल डाटा आपको कर लेना, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद दोस्तों सिंपल सा फिर से आपको यूट्यूब को यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक है। चलिए आपको सामने में अपने जो यूट्यूब को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल सा आपको अपना जो लोगो है उस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको जो अदर चैनल है उस पर आपको क्लिक कर लेना। मतलब कि देख सकते हो दोस्तों जो मेरा जब भी चैनल है वो इसके अंदर वापस आ चुके हैं। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से जो अपने चैनल नहीं दिख रहे तो आप इसी प्रकार से अपने चैनल को वापस ला सकते हो और यहाँ से आप YT स्टूडियो के अंदर जाकर भी यही सेम प्रोसेस करना है तो आपका जो चैनल है वो सभी वापस आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर।